नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, कल से जो बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा छिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है अब बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब कभी बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक में नियुक्ति नहीं होगी, यही ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट में कल जारी किया गया है। तो अब होगा क्या, आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस समय क्या चल रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है कि अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। अब सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या करना चाहती है आप लोगों के लिए, ये इसके लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस समय बैठक वो चल रही है। जो अंदर से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, यही आ रही है कि इस समय जो एनसीटी और सरकार मिल करके जो है मेरे बच्चों, ठीक है, एनसीटी सरकार मिल करके, ठीक है, रिव्यू पिटीशन कई या नई अधिसूचना जारी करे। भाई, बात वहां से निकल के सामने आ रही है कि एनसीटी सरकार जो है मिल करके रिव्यू पिटीशन और नई अधिसूचना जारी करने की बातों पर चर्चा की जा रही है। अब ये सत्यता जो है बिल्कुल मीटिंग खत्म होने के बाद जो है आपको पता चलेगी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बहुत ही भयावह आदेश है। ऐसे आदेश की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि हाँ ऐसे आदेश जो है दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का विरोध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है मेरे बच्चों। तो विरोध मतलब जो है बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। अनुच्छेद 21 का जो है हनन कर रहे हैं बीएड वाले विद्यार्थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, ये भी बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा, बहुत से लोग आधी अधूरी जानकारी जो है पढ़ते हैं और परेशान होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है कल के आदेश में, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो भर्तियां हुई हैं या जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसका इस पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो भर्तियां हुई हैं या जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के पहले जितनी भर्तियां हुई हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान से बात सुन लो, ये अपने भेजे में डाल लो कि जो भर्तियां हो चुकी हैं, जिनको नियुक्ति मिल चुके हो, चाहे वो एमपी को हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आपको यूपी, 69,000 भर्ती के स्टूडेंट हैं, उनको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, उन पे कोई भी इस जो है ये ऑर्डर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक इतनी बात समझ लो। अब दूसरी बात मेरे बच्चों समझो, देखो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा ये भी आपको बता दें, क्योंकि इस दौरान तक केंद्र सरकार की जारी की गई अधिसूचना राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होती है। जो भी केंद्र सरकार जो है आदेश देती है उसको जो है राज्य सरकार मानती ही मानती है, ठीक है। ये भी बात कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और राज्य सरकारें विवश हैं एनसीटी की अधिसूचना फॉलो करने में, इतना भी ध्यान रखना। इस पॉइंट को मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इसको देखिए। क्योंकि उस दौरान तक केंद्र सरकार की जारी की गई अधिसूचना राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होती है, ये बात कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये भी कहा है कि राज्य सरकारें विवश हैं एनसीटी की अधिसूचना फॉलो करने के लिए, ये भी कहा है। इसलिए उस दौरान जो भर्तियां हुई हैं उसे रद्द नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चों, इतना ध्यान रखना। तो टेंशन मत लो, जो भी हमारे बच्चे हैं सेलेक्टेड बच्चे हैं, कोई टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल, आप लोग सेफ हैं जो हो चुके हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, आगे जो भर्ती आएंगी उनके लिए स्थिति क्लियर है कि अब वो पीआरटी मतलब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन
अब सरकार जो करेगी, देखिए एक चीज बता दें, जब सरकार बीएड वालों को शामिल कर सकती है, जब सरकार बीएड वालों के साथ है, जब सरकार बीएड वालों के प्रति समर्पित है, तो एक चीज बता दें, बीएड वालों को अंदर करने के लिए सरकार सारा जोर लगा देगी और बीएड वाले फिर से अंदर आएंगे प्राथमिक भर्ती में, इतना आप जान लीजिए। अभी मैं बता दूं आज का ट्यूट वी वांट बीएड इन पीआरटी, मैं आपको बता दूं आज का ट्यूट, आपको बता दूं वी वांट बीएड इन पीआरटी, ठीक है, ध्यान रखना पीआरटी, वी वांट बीएड इन पीआरटी, ये ट्वीट जो किया गया है 9,00,000 लोगों ने ट्वीट किया है और इसकी संख्या और बढ़ सकती है, आप लगातार इसकी संख्या बढ़ाइए, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो है एनसीटीई केंद्र सरकार जो है मिलकर रिव्यू फाइल करेगी, या तो नए नोटिफिकेशन, फिर से नया नोटिफिकेशन जो है संशोधित करके निकालेगी, ठीक है। सरकार बीएड के पक्ष में है, इसलिए बीएड को बाहर करना इतना आसान नहीं है, सरकार चाहेगी तो अध्यादेश लाकर भी जो है बीएड को तुरंत अंदर कर लेगी, सरकार के पास अध्यादेश शक्ति है, वही सरकार चाहेगी तो अध्यादेश लाकर के सरकार तुरंत बीएड वालों को अंदर करेगी, तो परेशान ना हो, अभी आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, अभी बीएड वालों के पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, इतना जान लो। और अब गेंद जो है सरकार के पक्ष में है, अब सरकार क्या करती है ये देखना है, और सरकार बीएड वालों को बाहर नहीं होने देगी, ये आप देख लेना, ठीक है। हमारा ना बीएड वालों से लगाव ज्यादा है, ना बीटीसी वालों से, जो चीज है जो वो हम इसको जो है आपको बता रहे हैं। बाकी एक चीज अंत में और कहूंगा, जो भी भर्तियां हो चुकी हैं वो बच्चे परेशान ना हो, फालतू में बहुत सारे यूट्यूबर्स चैनल जो है डरा रहे हैं, मत परेशान हो, अपनी ड्यूटी तन मन धन से करो, निपुण बनाने का लक्ष्य जो सरकार ने दिया है, मेहनत करके अपने बच्चों को निपुण बनाओ, अपने ब्लॉक को निपुण बनाओ, अपनी न्याय पंचायत को निपुण बनाओ, और सरकार ने जो आपसे उम्मीद की है उस पर खरा उतरो, मेहनत से आप लोग पढ़ाइए, आपको भर्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको दुनिया की कोई ताकत अब नौकरी से नहीं निकाल सकती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और भी न्यूज लेना है, तो आप स्टडी विद नीरज सर को जरूर सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे टेलीग्राम से, तो स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे और भी जो भी समस्याएं होंगी उनको लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।